5 अप्रैल रविवार को रात 9 बजे घर की सभी लाइटें बंद करके घर के दरवाजे पर या बालकनी में 9 मिनट के लिए मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाएं। सो गाइस, शाम के बज रहे हैं 8 और आज है 5 अप्रैल। आई होप आप लोगों ने भी जो है तैयारी करके रखा होगा। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। हालचाल वगैरह सब बढ़िया चल रहा है ना? सब लोग घर पे हैं, अपने फैमिली के साथ वक्त बिता रहे हैं और कुछ ज़रूरत रहेगा तो ही आप लोग बाहर निकल रहे हो ना? सब लोग तो हो, अगर हो तो मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बता दीजिए कि आप लोग घर पे हो, सेफ हो और लोगों को भी जो है जागरूक कर रहे हो कि घर पे रहिए, अपने फैमिली के साथ जो है वक्त बिताइए और अपने फैमिली को और भी बेहतर तरीके से जानिए। ट्रस्ट मी गाइस, हर कोई जी तोड़ कोशिश कर रहा है ये चीज़ से उभारने के लिए। हम सभी को, डॉक्टर्स हो गए, पुलिस हो गए, आर्मी हो गया, प्रशासन हो गए, इवन हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो भी आज कंटिन्यूसली, आप देखोगे काफ़ी सारे जो मंत्रीज हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, वो घर बैठकर ही लाइव आकर ही जो है मैसेज वगैरह दे रहे हैं। बट कुछ कुछ सीएम वगैरह है वो लोग बाकायदा पब्लिकों में बीच में जाकर जागरूकता के काफ़ी अच्छा जो है वो एग्जांपल्स वगैरह दे रहे हैं। बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर है उसने किया, मैंने देखा। यूपी के जो सीएम है उन्होंने भी ऐसे ही किया, इवन नरेंद्र मोदी वो भी काफ़ी इनिशिएटिव ले रहे हैं। हर कोई जो है ना बिजी है ताकि हम सब जो है, आप लोग जो है वो सेफ रहे। और आज जैसे कि 5 अप्रैल है, जैसे कि उन्होंने कहा है कि आज हमें 9:09 में जो है दिया लगाना है लाइट वगैरह बंद करके। काफ़ी सारे फैक्ट्स वगैरह आ रहे हैं, काफ़ी सारे चीज़ें ऐसे आ रहे हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं जहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर आप एक साथ लाइट बंद करोगे और फटाक से जब आप चालू करोगे तो काफ़ी सारा लोड आ सकता है, तकलीफ़ हो सकता है। तो मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपके मन में डाउट है तो आप लोग भी जो है एक आधा फ़ैन या एक आधा कुछ भी है ऑन रख के आप बाहर आ सकते हो और ये जो चीज़ चलने जा रहा है ये आप कंप्लीट कर सकते हो। काफ़ी सारे लोग हैं ना ये चीज़ को ना एकदम मजाक में ले रहे हैं, ट्रोल वगैरह कर रहे हैं। और इन बिटवीन ये ट्रोल्स में भी कुछ कुछ ट्रोल्स ऐसे होते हैं जो वाकई में एकदम फ़ायदेमंद है, जो आप वाकई में अगर आप सोचोगे ना तो वो फैक्ट है। जैसे कि मैंने एक वीडियो देखा था, एक ट्रोल वीडियो देखा था जहाँ पर एक बंदा कह रहा था कि दिया लगाते वक्त जब आप ये दिया लगाओगे तब सैनिटाइज़र वगैरह जो है हाथ मिला के ना दिया को लाइट कीजिए। और ये एकदम फैक्ट है क्योंकि अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र लगा के अगर आप फायर वगैरह लाइट करते हो, दिया वगैरह लगाते हो, इट माइट कैन कैच फायर। तो यार उस चीज़ का जो है प्रिकॉशन आप लोग लीजिए, प्लस जब आप ये सब चीज़ कर रहे हो अपने बच्चों या जो भी चीज़ है, अपने बच्चे या जो भी आप लोगों के साथ उस टाइम पे अगर रहेंगे तो उन सभी का आप ख्याल रखिए ताकि वो फायर वगैरह से किसी भी किस्म का अनसर्टनिटीज़ जो है वो ना हो। और ये जो चीज़ जो चल रहा है इसमें मुझे ऐसा लगता है कि सहयोग जो है हमें करना ही है, क्योंकि आप ये एक ही एंगल ना देखिए कि उन्होंने कह दिया है तो करना ही है, ऐसा नहीं है। मैं भी काफ़ी सारे रिसर्च वगैरह मैं कर रहा था तो मुझे ऐसे पता चला कि काफ़ी सारे जो है ना मिथ या काफ़ी सारे चीज़ें हैं, फैक्ट्स छुपे हुए इसके अंदर। क्योंकि आज का जो दिन है 9:09 में काफ़ी सारे एस्ट्रोलॉजर ने जो है प्रिडिक्ट किया है कि कोई सर्टन प्लैनेट है जो इस पोजीशन में एंटर करेगा, अगर हम इस वक्त पे अगर ये चीज़ अगर करते हैं तो ये जो चीज़ें हमें काफ़ी फ़ायदेमंद हमें दे सकता है, हमारे विल पावर को बूस्ट कर सकता है। हम जो सिचुएशन से अभी गुजर रहे हैं उस सिचुएशन से गुजरने की जो ताकत है, हमारे मेंटल स्ट्रेंथ जो है वो हमें बढ़ा सकता है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान देकर ही ये चीज़ किया गया है और ये होने जा रहा है। तो ये चीज़ पे मुझे आप लोग कोट मत कीजिए, मुझे मैंने जो चीज़ देखा वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। फिलहाल बज रहे हैं 9 और ये 10 मिनट आगे है, तो फिलहाल चल के देखते हैं कि मम्मी ने जो है प्रिपरेशन क्या करके रखा है दिया जलाने का, जाके चलो चेक करते हैं हम लोग। मैं तुम्हारा रेडी है दिया वगैरह?
तो फिलहाल दिया वगैरह रेडी है, टाइम जो है हम लोग चेक कर लेते हैं, और चेक करने के बाद जो है एग्जैक्ट लाइट वगैरह थोड़ा बहुत ऑफ करके कर लेते हैं। और मम्मी भी लाइट जो है जला रही है। एग्जैक्ट करुणा गो सब लोग चिल्ला रहे हैं। और बेसिकली हम लोग ने भी जो है लाइट जला लिया है, तो फिलहाल देखते हैं बाहर जाके कि बाहर का जो नज़ारा है कैसा है। और काफ़ी उत्साह से आप देख सकते हो, काफ़ी उत्साह से जो है सब लोग ही ये चीज़ को मना रहे हैं। और हम लोगों ने भी जो है लाइट जो जला रखा है, मम्मी एक और जो है दिया जला रही है। तो ये दिया जो है हमारा जल गया है। सब जगह जो है वो शंख वगैरह बजाया जा रहा है, क्योंकि हम बंगाल में हैं तो शंख बजना जो है वो तो लाजमी है। तो फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ अपने गेट की तरफ और देखने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पर जो है कितना लोगों ने दिया जलाया है। लाइट्स देख सकते हो आप, ये जो मेरे पीछे जो आश्रम है यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि दिया जो है वो जल रहा है। पीछे जो है फ्लैट्स वगैरह है, सब लोगों ने जो है लाइट बंद कर लिया है। और ये चीज़ को जो है सब लोग ही कहते हैं जो हम प्रॉपरली जो है कर रहे हैं। शंख का आवाज़ काफ़ी ज़ोरदार आ रहा है। और मैं अभी फ़िलहाल तो मेरे मेन रोड के यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, आप देख सकते हो लाइट्स वगैरह जो है सब लोगों का बंद है, सब लोग ही जो है वो दिया जला रहे हैं। और हमने भी जो है दिया जला लिया है। हर कोई यही एक्सपेक्ट कर रहा है कि कोरोना वायरस जो है ये जल्द से जल्द समाप्त हो, लॉकडाउन जो है जल्द से जल्द ख़त्म हो, हम हमारे बैक टू नॉर्मल लाइफ जो है वापस आ सके, यही सब हम प्रे कर रहे हैं। और इसी के लिए आज का जो दिया हम जला रहे हैं, क्योंकि विल पावर, सहन शक्ति, जो भी चीज़ है वो इसी चीज़ से हमारा बढ़ेगा, यही रीज़न है जो आज हम लोगों ने दिया ये जलाया है। और ये चीज़ के लिए मैं आज जो यूनिटी हम जो देख रहे हैं, आज जो भी लोग जो कर रहे हैं, ये इस चीज़ के लिए मैं जो हमारे प्रधानमंत्री है जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है, और उस इनिशिएटिव को हम लोग सब लोग मिल के जो है सहयोग दे रहे हैं, ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छा लगा और इन्जॉय कर रहे हैं ये मोमेंट, क्योंकि काफ़ी दिन बाद लॉकडाउन के सिचुएशन में, इस किस्म के सिचुएशन में हम लोग जो है सब मिलकर जो है ये चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। होप जल्द से जल्द चीज़ें जो है वो सुधरेंगी, कोरोना वायरस जो है ये जल्द से जल्द यहाँ से जाएगा, और जितने भी लोग सफ़र कर रहे हैं, जो भी हॉस्पिटल्स वगैरह में हैं, रिकवरी के स्टेज पे, सब के लिए दुआ करूँगा कि सब जल्द से जल्द ठीक हो जाए और साथ जो है हमारा बना रहे। हर कोई जो है टॉर्च, फ्लैशलाइट, दिए वगैरह जलाकर ही ये चीज़ को रेस्पॉन्ड कर रहे, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम भी जो है हमारा टॉर्च एक बार लाइट करें और इस चीज़ को हम भी जो है सेलिब्रेट करें। दिया तो हम लोगों ने जो है जला ही दिया है, उसके साथ में जो है टॉर्च लाइट करके एक बार देख लेते हैं। तो टॉर्च जो है हमने अभी ले लिया है, तो लाइट करते हैं और देखते हैं, मारते हैं। ये आप देख सकते हो जो हम भी जो है फ्लैश वगैरह जला रहे हैं, जला के रखा है। और पता नहीं क्यों आज एक बहुत ही अच्छा एक फील हो रहा है, और ये यूनिटी देख के ना बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो मैं ये चीज़ के लिए हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन सभी को मैं बहुत ही तहे दिल से जो है ना मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये जो मोमेंट है हम लोग को आज मिला है, काफ़ी दिन के बाद जो ये मोमेंट हम लोग को मिला है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लग रहा है कि स्ट्रेस लेवल जो चल रहा था इतने दिनों से जो हम लोग झेल रहे थे, लॉकडाउन हो गया, चीज़ों के क्राइसिस थे, कोरोना वायरस, काफ़ी सारे छोटे छोटे चीज़ थे, तो किधर ना मुझे लग रहा है ना कि कुछ परसेंटेज का जो है रिलीफ जो है आज हमें मिल रहा है। और होप कर रहे हैं कि चीज़ें जो है बेहतर होंगी, ये चीज़ से हम ज़रूर जो है बाहर आएंगे। डॉक्टर हो गए, पुलिस हो गए, प्रशासन, जितने भी लोग ये जो म्यूनसिपालिटी वगैरह में जो काम करते हैं, जो कचरा वगैरह लेने जो आते हैं, वो लोग भी जो है काफ़ी दिल से जो है काम कर रहे हैं इस परिस्थिति में, जहाँ पर हम लॉकडाउन होकर जो है घर पे अपने बैठ जाते हैं, घर से बाहर निकलने से 10 बार सोचते हैं। ये जो लोग हैं कड़ी धूप में इतने डेंजरस सिचुएशन में जो है ड्यूटीज़ वगैरह दे रहे हैं, तो उन सभी को मैं आज दिल से अपने चैनल की तरफ से, अपने लोगों की तरफ से मैं थैंक यू कहता हूँ कि आप लोग जो सर्विसेज दे रहे हो,
आई रियली अप्रिशिएट, हम सब लोग आप लोगों को अप्रिशिएट करते हैं, प्लस आप लोग जो ये कर रहे हो इस चीज़ का जो है मोल हम आप लोगों को एक थैंक यू से ही दे सकते हैं। इसके अलावा वर्ड जो है कम है काफ़ी आप लोगों के लिए, हम जितना भी आपके प्रशंसा करें वो चीज़ बहुत ही कम है। आप लोग कर रहे हो, आप लोग हो तो हम है, और हम इस सिचुएशन से ज़रूर निकलेंगे बाहर। काफ़ी सारे ऐसे सिचुएशन है जहाँ पर वॉर्न किया गया था कि आप ये चीज़ जो है ना करिए, और कुछ कुछ ऐसी चीज़ें अभी मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकता। यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर की तरफ जो है वो फानूस जिसे कहते हैं, जो हॉट एयर बैग जिसे कहते हैं, वो उड़ाया जा रहा है। काफ़ी सारे फटाके जो है ये फूट रहे हैं। अल्टीमेटली ये फटाके जब फूट रहे हैं ना, इसके वजह से प्रदूषण और बढ़ेगा, सांस लेने में जो है और भी तकलीफ़ होगा। तो ये चीज़ का ध्यान पब्लिक लोगों को रखना चाहिए कि जो चीज़ कहा गया है सिर्फ वही कीजिए, ज़्यादा इस किस्म का चीज़ जो है ना कीजिए। क्योंकि लास्ट टाइम भी जब लॉकडाउन का हम लोग का फर्स्ट डे था, जिस दिन जनता कर्फ्यू हम लोगों ने किया था, जनता कर्फ्यू के टाइम पे भी लोगों ने, प्रधानमंत्री ने खुला कहा था कि अपने घर के दरवाज़ों से या विंडोज से आप लोगों को जो है थाली बजाना है। पर क्या हुआ, अल्टीमेटली लोग जो है घर से बाहर निकल के उस किस्म का जो है तमाशा कर दिए। आज भी मैं जो है यहाँ पर खड़े होकर मैं फील कर रहा हूँ कि लोग जो है जो जेन्युइनली जो है मान रहे हैं चीज़ों को, पर मैक्सिमम लोग जो है वो यहाँ पर पटाखे वगैरह फोड़ रहे हैं, हॉट एयर बैग्स जो है वो आसमान में जो छोड़ा जा रहा है। तो ये थोड़ा सा चीज़ गलत है, बट ये जिसको ध्यान देना चाहिए पब्लिक को, जहाँ पर हर कोई जो है सफ़र कर रहा है, हर कोई जो है ये चीज़ से गुजर रहा है, तो इस किस्म का सेलिब्रेशन जो है वो नहीं होना चाहिए एट दिस मोमेंट। क्योंकि अल्टीमेटली फटाके जब आप फोड़ रहे हो, इसका तकलीफ जो है वो एनवायरनमेंट में होगा, अल्टीमेटली उसका इफेक्ट जो है वो हमारे ऊपर भी होगा। सो गाइस, आज हम लोगों ने जो भी किया ना, ये कहीं ना कहीं ये चीज़ को दर्शाता है कि यूनिटी जो है वो आज भी हम में है, और अच्छे चीज़ के लिए जो भी चीज़ करना होता है वो हम करना चाहते हैं, और हम भी कोशिश करते हैं कि वो चीज़ करें। तो ये जो चीज़ आज हुआ 5 अप्रैल में 9:09 में, जो हम लोगों को चीज़ करना था, हम लोगों ने सब लोगों ने स्ट्रिक्टली फॉलो किया, बट कुछ कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने ये चीज़ों को अलग ही एक नेक्स्ट लेवल पे ले गए और पटाखा वटाखा जो है वो फोड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ हम लोगों ने किया, ये मुझे भी आज थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया, बट माइंड में जो है एक क्वेश्चन मेरे आज भी आ रहा है, जहाँ पर हमारे कई सारे लेबर क्लास या गरीब जो लोग हैं वो सब आज भी सफ़र कर रहे हैं, जो अपने घर पे जाना चाहते हैं, अल्टीमेटली जो है वो जा नहीं पा रहे हैं, और काफ़ी कई दिनों से रास्ते पर हैं, खाना प्रॉपरली मिल नहीं रहा है, अगर मिल रहा है तो खा रहे हैं, नहीं मिल रहा है तो नहीं खा रहे। तो काफ़ी सारी दिक्कत है ये जो चीज़ हो रहा है। तो मैं मेरे प्रशासन से, अपने गवर्नमेंट से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ एटलीस्ट ये जो सिचुएशन है, ये जो चीज़ जो पब्लिक जो है फील कर रहे हैं, उस पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, और उनको वहाँ से निकालने के लिए कुछ ना कुछ एक आप रेमेडी निकालिए, एक हेल्प वगैरह जो है। खाना देने से नहीं होगा, आप एटलीस्ट उन्हें घर पहुँचाने का जो है बंदोबस्त कर दीजिए। मैं यही अपील करूँगा गवर्नमेंट से, अपने तरफ से, अपने चैनल की तरफ से। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग जो मेरे वीडियोज़ देखते हो उनको भी ये चीज़ पे फिर एग्री करेंगे कि मैंने जो आज कहा ये चीज़ सही है। भले आप लोग टेस्ट कराइए, टेस्ट वगैरह करने के बाद ही जो है आप उनको छोड़िए, या जो भी चीज़ आप लोग प्रोवाइड करोगे, ट्रेन प्रोवाइड करोगे या बस प्रोवाइड करोगे, तो ये चीज़ करने के बाद ही आप लोग एटलीस्ट ये बात पे तो ध्यान दीजिए, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो प्लीज़ जितना हो सके जो भी वीडियोस देख रहे हैं, ये वीडियो को आप शेयर कीजिए, ताकि ये जो बात है गवर्नमेंट लेवल तक पहुँचे और ये चीज़ पर थोड़ा सा वो ध्यान दे। सो गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। थोड़ा सा वीडियो जो है लेंदी हो चुका है, बहुत सारा ज्ञान जो है मैंने आज आप लोगों को दे दिया, बट क्या कर सकते हैं, आज जो मौका मिला था तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को ये चीज़ मैं एकदम दिखाऊं। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक का जो बटन है वो ज़रूर दबा दीजिए, प्लस इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नए हो तो एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है नीचे, उसे दबा दीजिए, उसके पास ही में एक बेल आइकन उसे बजा दीजिए, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो ऑन दैट नोट, इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। एज ऑलवेज बी हैप्पी एंड टेक केयर। टिल देन साइनिंग ऑफ, दिस इज ट्रेंडसेटर रणबीर, एंड वंस अगेन स्टे होम स्टे सेफ।